वेलकम व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल अमोक अग्रवाल प्लांट्स एंड व्लॉग्स। आज के स्टूडियो में हम जानेंगे क्या पालक की बड़ी अच्छी ग्रोथ वाले प्लांट में फर्टिलाइजर डालने चाहिए, तो इसका जवाब आज के स्टूडियो में हम जानेंगे। तो फर्टिलाइजर बेसिकली हम हमारे जो आर्टिफिशियल होते हैं उनकी बात नहीं करेंगे, वो तो आपको किसी भी पौधे में नहीं डालना चाहिए वैसे तो, लेकिन वो मजबूरी में आपको पड़ती है उसकी ज़रूरत तो आप मेरे पहले के वीडियोस जाके देखिए ना। हाँ तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो पालक एक प्रकार की सब्जी में काउंट किया जाता है और जो कि बहुत टेस्टी भी होता है और मुझे खास तौर पे पसंद है। अब और सबसे पहले लोग सब्जियों में इसी को उगाना पसंद करते हैं और ये दो बार दो से तीन बार उग जाता है। एक बार में पास में देखिए मैंने मेथी भी उगा रखी है, एक काफ़ी बढ़िया मेथी है। तो इसमें फर्टिलाइजर डालना सेफ है, मगर जितने भी फर्टिलाइजर डालते हैं पालक में वो सारे डाइल्यूटेड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें डाइल्यूटेड ही डालना सेफ है। तो डाइल्यूटेड में क्या मात्रा होनी चाहिए ये सबका अलग अलग होता है। अभी तक मैं भी आप सभी ने एक ही फर्टिलाइजर सीखा है, वो है हमारा हल्दी वाला। और लिक्विड फर्टिलाइजर पे मैं जल्दी ही वीडियो ला रहा हूँ, अभी 5 से 10 दिन के अंदर में। तो हल्दी वाले फर्टिलाइजर की हम बात करेंगे, कितने पानी में उसको डाइल्यूट करना चाहिए और इसमें डालना चाहिए, क्या पत्तियों में डालना है, कहाँ पर डालना है, उसी की आज हम उस विषय पे बात करेंगे। थैंक्स। तो ये जो हमारे पालक के पत्ते हैं इनको तो हम खाते हैं, इनकी जो ये जो है ये जो पार्ट देख रहे हैं नीचे का, ये तो हम लोग नहीं खाते ना, तो इसको यूज करते हैं हम फर्टिलाइजर के लिए। पत्तियों पे जब लगा होता है तब की मात्रा अलग होती है, आपकी मिट्टी में कीड़े लगे हैं तब अलग है, और आपकी स्टेम्स पे कीड़े लगे हैं तो मात्रा अलग होती है। तो सबसे पहले हम पत्तों से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पत्तों पे सबसे ज्यादा कीड़े पाए जाते हैं। तो पत्तों में सरल सारे जो है एक एक वगैरह आपने पानी दिया है तो इसमें 4 ml डालेंगे, 2 लीटर पानी लिए 8 ml डालेंगे। लेकिन सफिशियंट इसको चाहिए कितना पत्तियों के लिए, इसको पत्तियों के लिए चाहिए 0.5 लीटर। तो आधे लीटर पानी में 2 ml हमारा हल्दी वाला फर्टिलाइजर या फिर एंटी पेस्ट मेडिसिन जिसे हम कहते हैं वो मिलाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि कीड़े हट जाए तो वही वाला फर्टिलाइजर आपका सिर्फ और सिर्फ एक पौधा, जब एक सब्जियों का पौधा एक ऐसा होता है जिस पे काम नहीं करता हो तो कीड़े हटाने के लिए, तो क्या करें कि वो कीड़े हटाए, तो उसमें उस रिएक्शन के लिए मिलाना होगा कुछ नींबू की चुटकी भर काला नमक, थोड़ी सी चुटकी भर सी राख, और इस और लेना होगा हमारा फर्टिलाइजर। कितना फर्टिलाइजर चाहिए हमें, हमें चाहिए होगा 5 से 6 ml फर्टिलाइजर। और मैं ये नहीं कह रहा जो पुराने वाला मैंने वीडियो अपलोड करी थी ना, इजी वे टू यूज हेल्दी एट होम फॉर
प्लांट्स, वो वाली वाला फर्टिलाइजर की बात हो रही है, उसको आप डाइल्यूट कर लीजिएगा, उसका 5-6 ml में सब मिला के फिर उसको भी डाइल्यूट करके आपको उस पर स्प्रे करना है। डायरेक्ट स्प्रे करना, उसको डाइल्यूट नहीं करना उसकी पत्तियों पे, तब तक कीड़े हटेंगे, वरना आपका वो फर्टिलाइजर का काम करेगा जैसे कि मैंने बताया। अब हम बात करेंगे इसकी स्टेम्स की। अब स्टेम्स काफी कमजोर होती है पालक की, जनरली ये मेथी की भी, धनिया की भी काफी कमजोर होती है हरी सब्जियों की, और कारण ये होता है कि उनमें काफी मेहनत होती है बनाने में, तो इसे भगवान ने थोड़ा सा काम इजी कर दिया। ओके, सो जो अभी हमारी पालक है ये स्टेम से काफी कमजोर हो गया है, तो फर्टिलाइजर काफी अलग तरह का चाहिए रहेगा। तो आपको 7 शब्दों में कहूँ तो, अगर आपको एक्सपर्टी नहीं आई है अभी फर्टिलाइजर्स डालने की, तो आप स्टेम्स में स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे जैसे शौकिया हैं और एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहे हैं, तो आपको आता भी है काफी कुछ, और आपको कोई टेंशन नहीं है थोड़े से पे करने में, बस मतलब जैसे एक से मेथी उग रही है, मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए उगाई थी तो ये खराब हो गई वैसे तो थोड़ी सी, तो इसलिए मैं कह रहा था। इतने में अगर आप उगाते हैं ट्राई करने के लिए, तो आप कर सकते हैं ट्राई स्टेम्स पे भी, मगर छोटे में आपकी ज्यादा बड़ी स्टेम्स भी नहीं होंगे, पत्ते भी नहीं आएंगे, तो आप कहेंगे फिर हमारे क्या फायदा होगा। तो वही तो कह रहा हूँ कि आप कभी ना डालें, एक्सपर्ट हो जाए आप उसके बाद डालें। सो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो स्टेम्स में आपके कुछ गिने चुने फर्टिलाइजर डालते हैं पालक की, जैसे अगर आप मिलकर मिर्ची उगा रहे हैं साथ में या और कोई सब्जी उगा रहे हैं, आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना होगा अगर आप स्टेम्स में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। अगर आप मेथी उगा रहे हैं तब तो आपको इतना सा ध्यान रखना होगा कि आपकी मेथी बची रहे स्टेम्स से, स्टेम्स ज्यादा घेरे नहीं आपकी मेथी को, और जैसे बीच बीच में जो पालक आ रहे हैं उनको आप हटा लें और यूज कर लेंगे, उससे क्या होता है वरना मेथी की ग्रोथ रुक जाती है, रुकती तो नहीं है, धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है, और हम हो जाते हैं परेशान, फैलती भी नहीं है, और एक बार हार्वेस्ट करने के बाद दोबारा या तिबारा नहीं आती। अब मैं उगाता हूँ 4 बार आ जाती है सर्दियों में, ये इतना बड़ा इसका, एक सेकेंड रुकी है, इतना बड़ा इसका 3रा हार्वेस्ट है अभी, एक हार्वेस्ट और बचा इसका, तब सोचिए। और ये धनिया मैंने 2 हफ्ते पहले लिया था, देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ हो गई, मैंने इसको पूरा स्टेम्स तक निकाल लिया था, तो ये होता है। तो देखिए अब मैं क्या बात कर रहा था, तो मैं बात क्या कर रहा था, स्टेम्स में फर्टिलाइजर डालने की। अगर आपने मेथी उगा रखी है तब आपको बस इन्हीं बातों का ख्याल रखना है, अगर आपने धनिया या और कोई सब्जी उगा रखी है या कोई पौधा भी उगा रखा है जैसे ये अजवाइन, तो कुछ बात को और ख्याल रखना होगा कि ये जो मेथी में बातें थी वो तो हटा दीजिए, अब आप जो इनकी बातों पर ध्यान रखना है कि वो फर्टिलाइजर इनकी पत्तियों पर नहीं लगना चाहिए, मिट्टी में जाएगा, रूट्स में भी जाएगा, पत्तियों पर स्टेम्स में नहीं आना चाहिए, वरना आपके थोड़े से ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं स्टेम्स के फर्टिलाइज करने पे। स्टेम्स को फर्टिलाइज करना इतना आसान भी नहीं है, इट टेक सम टाइम, आपको अपने हाथों से करना पड़ेगा। ये अभी हल्दी वाले फर्टिलाइजर की बात डिस्कस कर लेते हैं, तो मैंने अभी आपको वही सिखाया है, तो आपको अपने हाथों पे थोड़ा सा हल्दी वाला फर्टिलाइजर या फिर एंटी पेस्ट मेडिसिन लेनी है अपने हाथों पे,
जिस चीज से आप उसको स्किन पे स्प्रे करने वाले हैं उसमें अपने हाथों से मिलानी है उस पानी में। पूछिए ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अपने हाथों का जो गुण होता है ना वो उसमें आ जाता है कुछ सेकंड्स में। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है पालक के लिए। तो आप ऐसा करें। उसके बाद अब क्वांटिटी की बात आती है। तो पहले आपको इस प्रेशर को 6 ml उसमें करना है, 6 ml पानी में आपको मिलाना है। 2 ml आपके फर्टिलाइजर को, पुराने वाले की बात होगी, अभी यहाँ पे ईस्ट वाले इजी वाले की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो मैंने सारे वीडियोस बना चुका हूँ जिसके ऊपर सारे वीडियोस बने हैं इजी वाले, उनकी बात उसकी बात चल रही है। और ये आप इसमें 6 ml पानी मिला लें। उस 6 ml पानी का जो फर्टिलाइजर है उसको खूब देर मिक्स करें और उसको थोड़ी देर बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर में रख देंगे हम। उसके बाद उसको जब निकालेंगे तब उसको तुरंत 1/2 liter पानी में डाइल्यूट करके पूरे के पूरे 6 ml को, और 6 ml हमने तो पानी लिया था तो कितने ml हो गया, यस 8 ml हो गया। तो 8 ml को तुरंत मिलाना है हमें। और दिल लीजिएगा कि 1 ml भी ज्यादा ना हो पहले ही फ्रिज में रखने से, क्योंकि फ्रिज में रखते ही आपको पानी में रिएक्शन करना है, कुछ भी नहीं तुरंत डालना है उसको। डायरेक्ट बॉटल में स्टोर करके रखना है, प्लास्टिक की बिल्कुल यूज मत करना, स्टील की बॉटल, तांबे की बॉटल या फिर कांच की बॉटल ही यूज करनी है। प्लास्टिक की बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, लोहे की भी है एल्यूमिनियम की भी है तो भी चलेगा, लेकिन आप कोशिश करें सबसे ज्यादा को कॉपर और स्टील की मिलती है तो आप सबसे ज्यादा कोशिश करें। उसके बाद उसको उस बॉटल में से निकाल के उसको डाइल्यूट करके स्प्रे करेंगे हमारी स्टेम्स पर। स्टेम्स का तो ये है, स्टेम्स ज्यादा हिलनी नहीं चाहिए वरना ग्रोथ स्लो हो सकती है। और अगर आपको इसमें बैक्टीरिया वाला काम भी करना है कि बैक्टीरिया भी हट जाए तो आपको कुछ इस प्रकार करना है। उसमें सिर्फ आपको बेलानी होगी थोड़े से कोयले की दाग, पक्के कोयले की दाग चुटकी पर, तो आपको कीड़े भगाने का भी काम करेगा। वो तो दोनों काम एक साथ चाहते हैं, तो आपको उसमें मिलाना होगा हल्का सा हमारा सफेद नमक होता है, मैं सेंधे नमक की बात नहीं कर रहा हूँ, सफेद नमक मिलाएंगे। उसके बाद वो दोनों काम करेगा, ये राख भी उसमें होनी चाहिए। दोनों चीजें मिलाएंगे चुटकी चुटकी पर डाइल्यूट करने के बाद। उसके बाद तुरंत उसको शेक करके स्प्रे करना है, ये जरूर ध्यान रखिए तुरंत काम करने हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं रूट्स के बारे में। तो रूट्स में मतलब डालना काफी ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि अब आप देखिए ऐसे फर्टिलाइजर डालेंगे, दिख रहा है मेरा हाथ, ऐसे फर्टिलाइजर डालेंगे ना, स्प्रे बॉटल यूज करनी है आपको, वरना अगर आप अपने हाथों से डालेंगे ना तो हिल जाते हैं थोड़ा, तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो तीनों में आपको स्प्रे बॉटल यूज करनी है। स्प्रे बॉटल आपको ऐसी यूज करनी है कि इसके छेद पतले हो तो कुछ पकड़ के स्प्रे आ जाए, ठीक है, कभी कुछ गैस में बदल के आ जाए, ओके। और देखिए कई लोगों की शिकायत होती है स्प्रे बॉटल में पानी क्यों नहीं आता शुरू में, उसका जवाब है कि पंप करना पड़ेगा कुछ सेकेंड तो आप कर लीजिएगा, इसलिए कई लोग यूज भी नहीं करते, दिक्कत है लोगों के साथ कईयों के साथ। तो अब आप रूट्स में डालने की बात करते हैं। तो रूट्स में डालने के लिए आपको वही एक स्प्रे बॉटल चाहिए रहेगी, उसमें आप हमारा नॉर्मल फर्टिलाइजर बनाया था हमने ईस्ट वाला, इजी वे टू यूज हेल्दी एट होम फॉर प्लांट्स वाला आप यूज करेंगे। उसको आप 4 liter पानी में डाइल्यूट करेंगे 2 ml को। उसके बाद 4 ml पानी को में से 25 ml पानी लेंगे, तो उसको मतलब 1 liter पानी में डाइल्यूट करेंगे, और उस 1 liter पानी को भी हम 1/2 liter पानी में डाइल्यूट करेंगे। कितने पानी में, 2 ml वाले को, इतना लंबा प्रोसेस होगा। और इतने में उसके बाद फिर आपको उसमें हमारा
हल्दी, कोयला, नॉर्मल हल्दी जो हम घर में यूज करते हैं, किचन हल्दी होती है उसके देगा, कसूरी हल्दी सही है जो लोग फेस पैक्स में यूज करते हैं बेसिकली, वो वाली आप हल्दी लेंगे और उसके बाद आप उसमें मतलब उसमें जो हमारा जो आपका जो बन के आया है जो पूरा उसको हम बोलेंगे बिग बैंग। उस बिग बैंग में आपको मिलाना है हल्का सा कोयले की राख, पक्के कोयले की राख चुटकी भर उसमें मिलानी है थोड़ी सी कसूरी हल्दी, किचन हल्दी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कसूरी हल्दी जो फेस पैक्स में यूज होती है मेनली। और उसके बाद हम उसमें मिलाएंगे हल्का काला नमक, सादा नमक, सेंधा नमक, सादा नमक और सेंधा नमक अलग होता है सुन लीजिए पहले ही, और उसमें मिलाएंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, ये देख लीजिएगा कि शुद्ध लाल मिर्च हो, और हल्का सा मिलाएंगे हम गेहूं का आटा, गेहूं के आटे में कोई भी और आटा मिक्स नहीं होना चाहिए, उसको शेक करेंगे, उसके बाद उसकी रूट्स में स्प्रे कर दीजिए, कमाल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, कुछ ही दिनों में आपके गायब हो जाएंगे। आप इसको रेगुलर करिए एक हफ्ते तक।